जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे तूफान के बारे में, भाई तबाही लाने वाले तूफान के बारे में बात करेंगे। कहे कि भाई मई में भी एक तूफान आया था जिसका नाम था एम्फन, ठीक, बंगाल की खाड़ी में। और एक आज तूफान आया है अरब सागर में जिसका नाम है निसर्ग। तो हम लोग यही बात करने वाले हैं, भाई तूफानों का नाम कौन रखता है या कैसे रखा जाता है। ऐसे भैया हमारे देश में, ऐसे तो विश्व में भी बहुत ज्यादा संकट चल रहा है, महामारी का, एक कोरोना का, भारत में भी है। 3 महीने से लॉकडाउन, सब लोग लॉकडाउन में है, अर्थव्यवस्था एकदम धम से नीचे गिरा हुआ है। तो कोरोना था ही, ओकरा बाद एगो टिड्डी भी आया जो किसानों के जो फसल थे वो भी खाने लगा। आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, अब धीरे धीरे बिहार भी आवेगा। तो टिड्डी भी एक झुंड लेकर चल रहा है तबाही के लिए। और एक मई में आपका ये भी आ गया था जिससे बहुत लोग बर्बाद हो गए, उनका घर उड़ गया, बहुत लोग बेघर हो गए। और एक तूफान आ जा रहा है, आया हुआ है निसर्ग, जो इससे भी बहुत ज्यादा बर्बादी होने वाला है, बहुत लोगों का घर उड़ने वाला है। तो ऐसे इसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन मतलब तूफान आता है तो उसको साइक्लोन कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप उत्तरी अमेरिका में देख लिया जाए तो वहां पे कैरिबियन सी है, तो वहां पे हरिकेन और टाइफून, ऐसे हरिकेन और टर्नेडो कहा जाता है। टाइफून जो है आपका चीन जापान की तरफ कहा जाता है। और भारत के जो हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन साइक्लोन ना बोलकर हम लोग उसका एक नाम दे देते हैं, ठीक, नाम दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कैसे याद रखिएगा, साइक्लोन 1, साइक्लोन 2, साइक्लोन 3, साइक्लोन 4, साइक्लोन 5, साइक्लोन 7, ऐसे करके नाम तो याद नहीं रख सकते। तो आप उसके लिए एक याद रखने के लिए एक नाम रखा जाने लगा। तो पहले विश्व में शुरू हुआ, सभी लोग क्या किए, वैज्ञानिक लोग क्या किए कि अपना गर्लफ्रेंड के नाम पर रखने लगे। आहा, तबाही है, गर्लफ्रेंड का नाम रखने लगे लोग। फिर धीरे धीरे अपने पत्नी का नाम भी रखने लगे, यानी फीमेल का नाम रखा जाने लगा। बाद में फीमेल और मेल दोनों का नाम रखा जाने लगा। तो विश्व में, यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जो एशिया देश, ये देख रहे हैं एशिया देश, तो इन्होंने भी एक संगठन बनाया, ठीक है, एक संगठन बनाया और कहा कि भैया हम अपने तरफ जो उठने वाले तूफान हैं उसका नाम हम ही लोग रखेंगे। पहले यहां पे भारत में देखिए, जैसे आप मान लेते हैं यहां पे हिंद महासागर है, ठीक, यहां हिंद महासागर है। अब इधर में है अरब सागर और इधर में है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। तो इनका नाम रखने का काम कौन कर रहा है, एक संगठन। जैसे मान लेते हैं उष्णकटिबंधीय देशों का एक संगठन बना, कब बना, तो 2000 ईस्वी में। इसमें करीब 8 देश शामिल किए गए। देखिए 8 देश, एक तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान और थाईलैंड, ठीक। ये लोग क्या करते थे कि पूरा एक साथ थोक में नाम दे देते थे कि अगर इसके बाद ये तूफान आएगा तो इनका ये नाम आएगा। वो भी कैसे, अल्फाबेटिकल स्टाइल से। जैसे मान लीजिए पहले बी आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, तो बी बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद आई, ऐसे करके नाम रखना शुरू हुआ। अगर आप पहला अल्फाबेट में आपको कोई नाम लगता है तो उसके बाद दूसरा देश रखेगा, ऐसे सिस्टम में होता है। उसके बाद 2018 में 5 देशों को और जोड़ दिया गया, ठीक, एक तो ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन, संयुक्त अरब अमीरात। तो भाई 8 और 5 टोटल कितने हो गए, 13 देश। तो यही 13 देश जो है इन तूफानों के नाम रखते हैं। जैसे अगर बात करें एम्फन का नाम किसने रखा था, तो थाईलैंड ने, ठीक। और अभी जो निसर्ग आया है, निसर्ग का नाम किसने रखा, बांग्लादेश ने। अभी हाल ही में अप्रैल में करीब करीब 169 नाम सुझाए गए हैं कि भाई अगर ये देश ये तूफान होगा तो इसके बाद ये तूफान का नाम रखा जाएगा, ठीक, रखा जाएगा। तो वही है कि भाई इनके नाम रखे जाने लगे और ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। एक बात और भी है, ये भी कहते हैं कि भाई नाम वो रखा जाएगा तो ऐसे नहीं कि आप धर्म को आप सेफ हो, जैसे ऐसा नाम ना रखा जाए जिससे ऐतिहासिक कोई चीज नाम रख दिया जाए और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यानी नाम भी रखना हो तो सिस्टम रखा जाए, मतलब एक आसान नाम रखा जाए, धर्म से रिलेटेड ना हो। दूसरा बात, सिर्फ 8 अक्षर के ही, यानी मिनिमम या मैक्सिमम कहिए, मैक्सिमम 8 अक्षर के ही तूफान के नाम होने चाहिए।
उससे ज्यादा नहीं। तो ये सब प्रावधान रखा गया और उसके बाद ये शुरू हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर अगला तूफान अगर आने वाला है, अगर अगला तूफान आता है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो उसका नाम रखने वाला है इंडिया, यानी आने वाले तूफान का नाम इंडिया रखेगा। और इंडिया ने पहले ही एक नाम दे दिया है, सोचता हूं बताओ या ना बताओ या कमेंट में पूछूं। तो चलिए मैं बता देता हूं, इसके बाद जो तूफान आएगा उसका नाम होगा गति, ठीक, इसके बाद आने वाला तूफान का नाम क्या होगा, गति। तो इस तरह से तूफानों के नाम रखे जाते हैं और आगे भी रखे गए हैं पहले से ही। तो जो भी है नाम, बड़ा खतरनाक नाम होता है, चुलबुल तुलबुल, मतलब अजीब अजीब नाम होते हैं, तो यही सब नाम है और ऐसे ही आते हैं और कहते हैं कि भैया इसने तबाही मचा दिया है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।